तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग अगर बेरोजगार हैं, आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग यूपीएसडीएम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस ट्रेनिंग में आपको इतना अपने आप को दृढ़ संकल्प यानी इतना मजबूत बना लेना है कि आप किसी के सामने अगर जाए तो बिल्कुल वहां पे अपना झंडा गाड़ के आए। तो दोस्त आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग मन से पढ़िए और यहाँ पे सर के द्वारा जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस ट्रेनिंग को धैर्यपूर्वक आप मन से पूरा करिए और यहाँ से आप लोग जाएंगे जहाँ वहाँ पे अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे। तो दोस्त चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे या फिर कुछ भी करने जाओगे किसी भी संस्था में, तो वहां पे सबसे पहले आपको इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग इसको गौर से पढ़िएगा और साथ में वीडियो छोटी छोटी रहेगी लेकिन ताकि बड़ी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बना देंगे तो आप ऊब जाओगे, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और आप सभी लोग इस वीडियो को देख के अपने कॉपी में लिखना सर ने जिस प्रकार से आप सभी लोगों को बताया। सबसे पहले आप लिख लीजिए एटीएम ड्यूटी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आपका पूरा नाम क्या है, तो आंसर में लिखिए मेरा पूरा नाम, जो भी आपका नाम हो वो लिखिए। जैसे मेरा पूरा नाम वैभव सिंह है श्रीमान, मेरा पूरा नाम वैभव सिंह है श्रीमान, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आपको ये नोट करना है श्रीमान बोलना है हमें, श्रीमान बोलना है हमें, या फिर आगे शुरुआत में सर लगा सकते हो या फिर बाद में श्रीमान लगा सकते हो, इसका विशेष ध्यान देना। कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या कहोगे, मेरा नाम वैभव है तो ये अच्छा है, या फिर मेरा नाम वैभव सिंह है श्रीमान ये अच्छा है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपने क्या पढ़ाई किया है उसके बारे में आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, लिख लिए होंगे। अब हम इसका आंसर बताते हैं। आंसर लिखिए मेरी शैक्षिक योग्यता, मेरी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास 12वीं पास जो भी आप किए हैं वो लिख के फिर आगे लिख दीजिएगा श्रीमान। तो दोस्त इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, श्रीमान यहाँ पे होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सुरक्षा कंपनी का नाम क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके सुरक्षा कंपनी का नाम क्या है, मतलब हम जिस सुरक्षा कंपनी में काम करते हैं या फिर जिस सुरक्षा कंपनी में हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका नाम क्या है। तो दोस्त उसका नाम है, आंसर लिखिए, आंसर में है कि मेरे सुरक्षा कंपनी का नाम, लिखिए मेरे सुरक्षा कंपनी का नाम टाइगर फोर, मेरे सुरक्षा कंपनी का नाम टाइगर फोर इंडिया लिमिटेड है श्रीमान, इंडिया लिमिटेड है श्रीमान, इसका विशेष ध्यान देना, श्रीमान हमें लगाना है। तो दोस्त समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ये समझना होगा आप सभी लोगों को क्योंकि हर एक इंटरव्यू में आपका सबसे पहले आपका ही वाइवा करते हैं, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन को पूछते हैं। दोस्त चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप कितने दिनों से सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आप कितने दिनों से सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अब जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो वहां पे लिख देंगे मैं अभी कोई भी सुरक्षा कंपनी में या फिर कहीं पे भी अभी हम जॉब नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी लिख लीजिएगा मैं लगभग 2 से 3, मतलब जितने साल आपने काम किया है वहां पे, मैं लगभग तीन वर्षों से इस कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर कार्यरत हूँ, मैं लगभग तीन वर्षों से इस कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर कार्यरत हूँ श्रीमान, ये लिख लीजिएगा दोस्त आप सभी लोग। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, इसे समझना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सुरक्षा का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देना, सुरक्षा का मतलब क्या होता है, एक बार आप अपने दिमाग में इसे नोट करिए सुरक्षा का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है, ये एक बार अपने मन से इसे वीडियो रोक के इसे अपने मन से सोचिए कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है, फिर हम आंसर लिखवाते हैं। तो चलो दोस्त हम आंसर लिखवाते हैं इसका।
कि मुख्य रूप से सुरक्षा का मतलब, लिखिए मुख्य रूप से सुरक्षा का मतलब बचाव होता है। क्या दोस्त? बचाव होता है। मुख्य रूप से सुरक्षा का मतलब क्या होता है? बचाव होता है दोस्त। जैसे कि यानी जैसे आप लिख सकते हो, जैसे किसी भी संस्थान में मान लो आपका ये संस्थान है, यहाँ पे आपका ये संस्थान हो गया, इसके बचाव के लिए किसी भी संस्थान में व्यक्ति, यहाँ पे जितने व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ पे जितने व्यक्ति काम करते हैं और यहाँ पे जितनी वस्तु है और यहाँ पे जितने संसाधन हैं क्या हैं दोस्त? जितने संसाधन हैं और यहाँ पे सूचना और यहाँ की सूचना, अब सभी लोग, और यहाँ की सूचना यानी व्यक्ति वस्तु वाहन और सूचना, व्यक्ति वस्तु वाहन और सूचना की जो देख रेख करते हैं, यानी जो देख रेख करते हैं और जो देख रेख करते हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से, जो भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं आग लग जाती है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जो भी हम कार्य करते हैं, उन्हें सुरक्षा पहुंचाने के लिए जो कार्य करते हैं वही सुरक्षा कहलाती है। दोस्त आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा है, उसे देख के लिख लीजिएगा, लेकिन समझने के लिए आपको ये चीजें समझनी होगी। फिर चलते हैं दोस्त हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सुरक्षा गार्ड की पहचान क्या होती है? आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, एक सुरक्षा गार्ड की पहचान क्या होती है? हर एक सुरक्षा गार्ड जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, जो आपके समाज की सुरक्षा कर रहा है, हर एक सुरक्षा गार्ड की पहचान क्या होती है दोस्त? ये क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा गार्ड की पहचान क्या होती है? तो उसका केस एक सुरक्षा गार्ड लिखिए, एक सुरक्षा गार्ड के मुख्य रूप से तीन पहचान होते हैं। केस मतलब बाल, फेस मतलब चेहरा, केस फेस और ड्रेस। आप ऐसे ही तो पहचानते हैं, ऐसे हम अभी आपके सामने आ जाए तो आप हमें थोड़ी पहचान पाएंगे, नॉर्मल कपड़े में आ जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन है, सुरक्षा कर्मी है या फिर कौन है। तो अगर आप एक फौजी को देखेंगे, पुलिस को देखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये किस लिए है, ये सुरक्षा करने के लिए है। तो आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक सुरक्षा गार्ड के केस फेस और ड्रेस से पहचाना जाता है एक सुरक्षा गार्ड। तो दोस्त आप सभी लोग पढ़िए अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको कोरोना का दोनों डोज वैक्सीन लग गया है? तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख दीजिएगा, जी मुझे वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है श्रीमान, दोस्त हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग दोस्त इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको दोबारा जब सर पढ़ाएं, जब क्लास में आपको सर पढ़ाएं या फिर सर से आप पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देख के रिविजन करें, एकदम ऊर्जा के साथ ये सारी चीजें आपको याद रहे और ये हमेशा आपके काम आएगी। तो दोस्त चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप सरकार द्वारा जारी दुर्घटना बीमा पॉलिसी धारक हैं? जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल LIC हो गया, SIP हो गया, बहुत सारे चीज जो जीवन बीमा होते हैं, क्या आप उसके धारक हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर, जी श्रीमान, ऐसे ही बोलना है, जी श्रीमान। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो आप सभी लोग इसे लिखिएगा, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्या होता है दोस्त? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। अब बहुत सारे लोग फंसाने के लिए इसे पूछ लिया
हिंदी में बताओ, एटीएम का हिंदी में क्या नाम है, एटीएम का हिंदी में क्या नाम है? स्वचालित, लिखिए दोस्त, स्वचालित, स्वचालित गणक मशीन, स्वचालित गणक मशीन। एटीएम का हिंदी का नाम भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। बहुत सारे लोग आपको फंसाने के लिए पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में ही या फिर कहीं पे भी पूछ लेते हैं। अब दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सीडीएम मशीन, मतलब सीडीएम, सीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीएम ये केवल उससे रिलेटेड है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, तो इसे आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं, सीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर लिखिए, सीडीएम का पूरा नाम, सीडीएम का पूरा नाम कैश डिपॉजिट मशीन है। क्या है दोस्त? कैश डिपॉजिट मशीन है। आप सभी लोग इसे लिख लिए होंगे। तो आज दोस्त, आज के इस टॉपिक में आपको 10 क्वेश्चन कराया गया। इसी प्रकार से आपको फिर अगले टॉपिक में अगला क्वेश्चन फिर से अगले दिन कराया जाएगा। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों को कल इसी जोश और ऊर्जा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।